नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो देखो, लेक्चर टू हम लोगों ने फिशरीज़ का कंप्लीट कर लिया था, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीसी कल्चर की बात करी थी, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था आपको एक्सटेंसिव पीसी कल्चर, इंटेंसिव मोनोकल्चर, पॉली कल्चर, इंटीग्रेटेड पीसी कल्चर, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है। तो ये फिशरीज़ का सेकेंड लेक्चर है, जिन्होंने नहीं देखा है, मतलब ये थर्ड लेक्चर है, जिन्होंने लेक्चर्स पिछले नहीं देखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये देख लें, इसके बाद थर्ड लेक्चर देखें तो काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि फिशरीज़ में किस कौन कौन टाइप की फिशेज होती हैं। एक तो फिश आप जो आप सीधे समुद्र में जाते हैं सी में, वहाँ से जो फिश पकड़ के लाते हैं। एक जो है जिसका आप कल्टिवेशन करते हैं, जिसका आप मतलब कि जिसका भी फिशिंग का बिजनेस होता है वो करते हैं, तो उसके लिए वो जो है कल्चर फिशेज होती हैं, ठीक है। तो मतलब एक अपना जो है एक तालाब बनाते हैं, उसमें बाकायदे फिशिंग करते हैं, तो उनके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से तालाब को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर उनकी मछलियाँ मर गई तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, पॉन्ड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, और फिश फार्मिंग क्या होती है, और क्या कहते हैं किस तरीके से पॉन्ड मैनेजमेंट करना चाहिए, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग की। तो होता क्या है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग? एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग में जैसे मैंने बताया था कि जो फिश है, ठीक है, उसको पॉन्ड में आप डाल देते हो, और जो उसकी नेचुरल फीड है उस पर वो डिपेंड करती, उस पर वो ग्रो करती, ठीक। अब होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप खेती करते हो एग्रीकल्चर, सेम उसी टाइप की फिशिंग है। आप अगर खेती करते हो, मान लो आपकी गेहूं की खेती कर रहे हो, तो आजकल जो है ये चल रहा है भाई NPK फर्टिलाइजर्स चल रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम, ठीक है। तो इनका एक रेशियो होता है, उस हिसाब से आपको डालना होता है, ठीक। वो भी मैं बताऊंगा कितने रेशियो में क्या डालना होता है, ठीक है। और इसको डालने का मकसद ये होता है ताकि जो आपकी जो प्लांट है, जो भी आपने गेहूँ का बीज बोया है, उसकी ग्रोथ बढ़ सके, ठीक। अब एक तरीका तो ठीक है, आपने ये जो कैटलिस्ट का काम करते हैं NPK फर्टिलाइजर्स, ठीक, ग्रोथ बढ़ा देते हैं। अब मैं कहूँ आप ये कैटलिस्ट ना डालो, ठीक, NPK जो है वो आप ना डालो फर्टिलाइजर, तो क्या होगा? मतलब आप एक टाइप की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि आजकल सरकार प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उससे अंतर क्या पड़ता? अंतर उससे ये पड़ता है जो आपका जो प्लांट है वो ग्रो जो करेगा ना, वो फिर कम हाइट का ग्रो करता है, ठीक, और उसका जो बेनिफिट होते हैं वो आपको एक साल में नहीं दिखेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट इन द सेंस कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपके जो फील्ड है ना वो कभी बंजर नहीं होगी, उसकी जो क्षमता है उर्वरक क्षमता, ठीक, वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, ठीक। हालाँकि आपको कुछ साल में, जैसे 4-5 साल आपको जो ग्रोथ होगी वो छोटी होगी, ठीक है, जो आपका गेहूँ का प्लांट होता है वो छोटे ग्रोथ का होगा कंपैरिजन टू आप अगर ये जो NPK फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, ठीक। तो ये मकसद है, तो ये सेम यही आप इसको रिलेट कर सकते हो एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग से। इसमें भी क्या होता है कि जो फिश है फिश को डाल दिया था पॉन्ड में, ठीक। अब पॉन्ड में डाल दिया था तो पॉन्ड के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और स्मॉल क्रस्टेशंस मौजूद होते हैं, क्रस्टेशंस मीन्स जो जीव जंतु छोटे होते हैं, ठीक, उनको जो है मछलियाँ खाती हैं, ठीक, और उनसे वो जीवित रहती हैं, ठीक। तो उनका एक फूड वेब बन जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे तो होगा क्या कि आपका जो जितना भी आपको प्रोडक्शन चाहिए फिश का उतना नहीं हो पाता, ठीक, मतलब कि जितना आपने सोचा कि ज़्यादा प्रॉफिट हो तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उतना ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। चाइना में जैसे कि यूज़ करी जाती है ये, इंडिया में भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है, एग्जांपल बस दिया गया है चाइना का, कि एक बिग हेड कार्प जो मछली होती है उसको छोटे छोटे लेक और रिजर्वायर में कर दिया जाता है, ठीक, और इसके बाद जो है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि देख रेख करी जाती है बस, और कुछ नहीं, स्पेशली उसके लिए कोई अलग से खाना नहीं दिया जाता, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। अब बात करते हैं सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग, ठीक। तो सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग में क्या होता है कि हाफ ऑफ, मतलब कि आपको जो मछली है वो आपके पॉन्ड से, तो जो उसको ज़रूरत की चीज़ें हैं न्यूट्रिशन चाहिए
वो तो उसको मिल ही रहा है, उसके अलावा कुछ आप सप्लीमेंट्री फीड भी दे देते हो, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं कि सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग। तो कभी कभी MCQs में पूछ दिया जाता है कि सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग क्या है, इंटेंसिव फिश फार्मिंग क्या है, ठीक, तो ये आपको मेजर डिफरेंसेस इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। इंटेंसिव फिश फार्मिंग जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, इसका मतलब कि आप जो है आप सिर्फ मत्स्य पालन में जुड़ गए हो, फिश फार्मिंग में ही जुड़ गए हो, और आपका मकसद है इससे प्रॉफिट कमाना। तो उससे प्रॉफिट कमाना है तो आप जो है अच्छी तरीके से, ये देखिए इस टाइप से उनकी फीडिंग का ध्यान रखोगे, जो वाटर है ठीक है, जो पानी जो पॉन्ड का है उसका ध्यान रखोगे, जो पानी ज़्यादा गंदा ना हो, ठीक है, कोई अगर मछली मर जाए तो उसको तुरंत हटाया जाए, ठीक, पानी को समय समय बदला जाए, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव फिश फार्मिंग। और जैसे कि जो होता नहीं कल्चर फिश फार्मिंग मैंने बताया था, वो इसी के अंदर आता है, ठीक। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, आपने अगर फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देखे हैं तो आप इसको जान सकते हो कि ये क्या होता है इंटेंसिव फिश फार्मिंग, और ये काफ़ी बड़े लार्ज स्केल में होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि फिश का, जैसे कि आप कोई नया आदमी हो, ठीक है, एकदम उसको फिश फार्मिंग स्टार्ट करनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो देखो उसको तालाब बनाना होगा, ठीक। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तालाब पॉन्ड मैनेजमेंट क्या होता है, छोटे ब्रीफ में जानेंगे, हालांकि होता तो बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाने को तो काफ़ी पढ़ा था, लेकिन मैंने छोटा छोटा करके जो आप लोगों के सामने उसकी थ्योरी लाया हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखो जो फिश होती है, आप जो भी आप आसपास जहाँ रहते हो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेंटर होगा, ठीक, वहाँ से आप एग ले लो, उसके एग उसको हिंदी में ढेंचा बोलते हैं, ठीक है। तो एग आप जब ले लोगे तो एग फर्टिलाइज होके फिर उसमें लार्वा होगा, लार्वा फिर फ्राई, फिर फिंगरलिंग, फिर एडल्ट जो है फिश बनती है, ठीक। तो ये इस जो फिश की एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये फिंगरलिंग टर्म किससे रिलेटेड है, या फ्राई साइजेस में जो असेंडिंग ऑर्डर में असाइन किया जा सकता है कि लार्वा फ्राई फिंगरलिंग अरेंज करिए, ठीक। तो इस टाइप से कभी कभी MCQs में आ जाता है। हल एनावर्ड का तो पता नहीं, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो वेट जो हैचलिंग्स का, हैचलिंग में ढेंचा, उसका सबसे कम वेट होता है, उसकी लेंथ भी सब बताई गई 4 mm के मतलब कि लमसम होती है, ठीक। और इसके बाद जो ढेंचा के बाद जो आता है जैसे कि, ठीक है, उनकी जो है लेंथ बढ़ती जाती है, ठीक, बिगर स्टेज में आते जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो है लाइफ साइकिल है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक। और ये अपने आप धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि आप, मैं बता दूं जैसे कि थोड़ा बहुत, कि आप जो एग लाते हो, मान लो एग्रीकल्चर सेंटर से एग लाए, तो तुरंत उनको नहीं डालना होता पानी में, वो पॉलीथीन पैक बैग्स में मिलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे मिलते हैं आगे वीडियोस में, ठीक है। पैक बैग्स में मिलते हैं, फिर उनको आप पानी में रखोगे जो भी आप तालाब में, उसके बाद उनका टेम्परेचर जो है, जब थोड़ी देर रखने के बाद टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाए पॉलीथीन जो भी बैग के अंदर और पॉन्ड का टेम्परेचर, इसके बाद आप उनको छोड़ोगे पानी के अंदर, ठीक, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है जब पॉन्ड मैनेजमेंट में, कि आप जिन उनको जब पानी में छोड़ोगे तो ये देखो कि उनसे बड़ी मछलियां ना हो पानी में, वरना वो उनको खा जाएंगी, तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना, और दूसरे जीव जंतु ना हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल हम लोगों ने देख ली। अब आप हम लोग बात करेंगे पॉन्ड मैनेजमेंट की। तो पॉन्ड मैनेजमेंट होता क्या और किस तरीके से किया जाता है, ठीक। तो पॉन्ड मैनेजमेंट में देखो सबसे पहली चीज़ है कि प्री स्टॉकिंग 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, प्री स्टॉकिंग, स्टॉकिंग, पोस्ट स्टॉकिंग। मतलब कि जब मछली आप बोने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, जब मछली बो दी है पानी में डाल दी है, ठीक है, तालाब में, तब क्या करनी है, और जब मछली तालाब में डालने के बाद जो है उसको निकालना है, उसकी देख रेख करना, वो सब आता है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो पॉन्ड मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि बिगेन होता है स्पॉन से, ठीक, स्पॉन सबसे छोटी चीज होती है, स्पॉन से आता है फिर फ्राई में, फ्राई से फिर जो है आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है इनकी एज डिफाइंड होती है, ठीक, कि 2-3 वीक्स में ये जो है स्पॉन से फ्राई बनेगा, फिर 2-3 वीक्स और लगेंगे तो वो फिंगरलिंग स्टेज पे आएगा, ठीक। तो इस हिसाब से उनकी जो है
स्टेजेस डिफाइन होती है, और जो भी जो मछली पालन करते हैं वो इन सब उनको ये सब चीज़ें पता होती है, वो सब ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। ठीक, तो आप लोगों के लिए तो काम का इतना ही था कि पॉन्ड मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, इसका मकसद क्या होता है। तो कभी कोई अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉन्ड मैनेजमेंट, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फिशिंग पॉन्ड्स, कितने टाइप के फिशिंग पॉन्ड्स होते हैं। तो बेसिकली पांच टाइप के फिशिंग पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें फिश की ग्रोथ होती है। और अगर आप कल्चर फिशिंग कर रहे हो, जिसमें कि आपको पता है कि आपके लिए फिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। हालांकि अगर आप सी में पकड़ने जा रहे हो, तब तो आपको क्या दिक्कत, तब तो आप सीधे गए सी में पहुँच गए। ठीक है, तो वो फिर हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे कि आप मछली पकड़ने के लिए कौन कौन सा नेट यूज़ करते हो। ठीक, फिशिंग मेथड, ठीक, तो वो आगे हम बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसकी वीडियो PDF में बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं पॉन्ड्स की। तो अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एक ब्रीडिंग पॉन्ड्स होता है। ब्रीडिंग पॉन्ड्स में क्या होता है कि जो मेच्योर मेल और फीमेल होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है पॉन्ड्स में, ताकि जो दो से वो तीन बन जाए। ठीक, तो ये मकसद होता है ब्रीडिंग पॉन्ड्स का। इसके बाद आता है हैचरी पॉन्ड्स का। हैचरी पॉन्ड्स का क्या मकसद होता है, जो आपने सीड कलेक्ट की होती है ब्रीडिंग पॉन्ड्स से, जो दो से तीन बनने के बाद जो सीड्स होती है उनको यहाँ पे हैचरिंग पॉन्ड्स में रखा जाता है, ताकि उनसे जो है बच्चे निकले। ठीक, और ये जो है अपने आप प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है, और इसमें काफ़ी ध्यान रखना होता है कि एक तो आपको जो पानी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ता है 30 डिग्री के अराउंड, और जो बाकी जो जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना हो, ताकि जो हैचलिंग्स होती हैं उनको ना खा जाएं। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ कुछ किसान ऐसे करते हैं कि भाई उसी पॉन्ड में अलग एक जगह हैचिंग पिट्स बना देते हैं, ठीक, ताकि वहाँ से जो भी निकले एग्स उनको हैचिंग पिट्स में अलग रख दिया गया सेफ में, ताकि बाकी जो जीव जंतु उनको ना खाएं। ठीक, तो इस हिसाब से जो दूसरे किसान भाई हैं वो इस काम को करते हैं। अब इसके बाद आता है नर्सरी पॉन्ड्स। नर्सरी, जैसा कि आप सबको पता है कि नर्सरी में क्या होता है, जब चीज़ छोटी होती है तब नर्सरी में रखी जाती है भाई, ताकि वो धीरे धीरे ग्रो हो। ठीक है, जो सैंपल होता है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जाओ तो नर्सरी में अलग अलग वैरायटी के आपको प्लांट्स मिलेंगे नर्सरी से, तो नर्सरी से आप छोटे प्लांट लाओगे, इसके बाद वो बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, तो नर्सरी जो पॉन्ड होता है वो ब्रीडिंग से, मतलब जो ब्रीडिंग होती है, ठीक है, आप ब्रीडिंग पॉन्ड में रखते हो उससे पहले जो है तैयार करना पड़ता है। अब नर्सरी पॉन्ड में भी यही होता है कि आप जो छोटी छोटी फिशेज हैं या वीड्स हैं वहाँ पे जो ये एग्स है वो फंसे नहीं। ठीक है, और जो भी मछलियाँ आप छोड़े हो, मतलब कि हैचरी पॉन्ड में तो जब एग्स बनेंगे, ठीक है, तो एग्स बनने के बाद जब मछली आएगी, ठीक, तो उससे मछली निकलेंगी छोटी छोटी, इसके बाद आप उनको नर्सरी पॉन्ड में डालोगे। तो नर्सरी पॉन्ड में क्या होगा कि जो भी उनको खाने के लिए आवश्यकता जो जीव जंतु हैं और जो प्लांट्स हैं वो होने चाहिए प्रॉपर। ठीक, ऐसा नहीं, इसके अलावा आप कुछ उनको दोगे जो फीड होते हैं उनके, मतलब कि जो आर्टिफिशियल फीड होते हैं उनका खाना, वो तो दोगे ही, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखोगे कि जो सफिशेंट ग्रोथ, जो जू प्लैंकटॉन जो मैंने बताया नहीं, द क्रस्टेशंस और फाइटो प्लैंकटॉन जो प्लांट्स होता है, ठीक है, वो भी वहाँ होने चाहिए, थोड़े थोड़े बहुत होने चाहिए, ताकि उनको जो है जो नेचुरल फीड है वो मिलती रहे नर्सरी पॉन्ड में। ठीक है, तो ये मकसद होता है नर्सरी पॉन्ड का। ठीक, इसमें मैंने लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, मकसद वही है। और साइज़ देख लीजिएगा, कभी कभी साइज पूछ देते हैं, जैसा कि पिछले साल पूछ दिया था कि हैन की केजिंग का साइज क्या होता है। ठीक, मैंने बताया था किसी उसमें हैन की केजिंग का साइज, अब वो बात अलग है, कुछ लोगों को ध्यान रहा कुछ को नहीं ध्यान रहा। ठीक, अब इसके बाद जो है कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखने होते हैं नर्सरी पॉन्ड के लिए। नर्सरी पॉन्ड के लिए ये होता है कि भाई एक तो जो पानी है, क्योंकि भाई फिश ग्रो कर रही है, अभी तो फिश छोटी है, एग से निकल के आई छोटी फिश है, वो एक तो गुड कंट्रोल में होनी चाहिए, और पानी जो है समय समय पर बदलते रहना चाहिए, प्रेडेटर फ्री होना चाहिए, कोई ऐसी जीव जंतु ना हो जो उस फिशेस को खा जाए, क्योंकि भाई वो तो अभी स्टेज में, नई स्टेज में है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिश एक ही जगह रख रहे हो, नहीं, वो मतलब कि एक बिखरी होनी चाहिए फिशेस, ठीक, ताकि उनकी जो है वो ग्रोथ जो है प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो ये मकसद होता है नर्सरी पॉन्ड का। इसके बाद आता है रेयरिंग पॉन्ड्स। रेयरिंग पॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि
जब आपकी जो जो फ्राई होती है, फिश के स्टेज जो होता है, फ्राई से फिंगरलिंग स्टेज में आता है, ठीक। इसके बाद आप उनको रेयरिंग पॉन्ड्स में डालते हो। रेयरिंग पॉन्ड्स जो होते हैं काफ़ी जो है वैसे होते हैं, मतलब गहरे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप जो नर्सरी पॉन्ड से निकाल के जब इनमें डालते हो तो उनकी ग्रोथ जो है और ज़्यादा बढ़ती है। अब इसको अलग क्या किया गया है, क्योंकि देखो इसमें ग्रोथ काफ़ी होगी, तो ग्रोथ ये होगी कि इसके अलावा जो आपके जो प्लांट्स जो मैंने बताया था अभी कि आप नर्सरी पॉन्ड्स में रखते हो, वो सब पॉन्ड जो प्लांट्स इसमें नहीं होने चाहिए, वीड्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ती, ठीक। और इस रियरिंग पॉन्ड्स में देख रेख रखनी होती, ज़्यादा देख रेख नहीं रखनी होती है नर्सरी पॉन्ड के कंपेरिजन, लेकिन देख रेख रखनी होती, ठीक। और रियरिंग पॉन्ड के बाद जो है आप स्टॉकिंग पॉन्ड में लाते हो। स्टॉकिंग पॉन्ड जो है सबसे लास्ट होता है। स्टॉकिंग पॉन्ड में जब आप ले आते हो तो फिश जो है अपनी फुल साइज में ग्रो करती है, जो टेबल साइज फिश कहते हैं, ठीक है, उसमें ग्रो कर जाती। अब टेबल साइज फिश ग्रो करती तो ऐसा नहीं कि उसका ग्रोथ रुक जाती, ग्रोथ तब भी होती रहती, लेकिन अब वो जो है आपके यूज़ के लिए तैयार हो गई, ठीक। आप उसको निकाल सकते हो, कहीं बेचना हो बेच सकते हो, या और भी जो है पर्पस हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अब खास जानने वाली बात यह है कि जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है ना, जहाँ पे आप मछलियों को प्रिजर्व रखते हो, मतलब अब आपकी मछलियाँ तैयार हैं पूरी तरह, उनका एक तो साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और उनका जो टेम्परेचर है वो भी हम लोगों को काफ़ी मेंटेन करके रखना होता है, उनकी हाइट भी काफ़ी रखनी होती है ताकि जो मछलियों का जो मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से हो सके। फीडिंग जो है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, ठीक। तो ये सब इसमें मैंने लिख रखा है फीडिंग का, ठीक है। और क्या, जो आप जैसे कि आप बना रहे हो स्टॉकिंग पॉन्ड, तो उसमें ये जैसे कि होता क्या, पॉन्ड बनाते हैं जैसे चूना यूज़ करना होता है, काउडंग यूज़ करना, तो इससे क्या होता है कि बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, ठीक। तो जो जरूरी होते हैं ऑर्गेनिज्म बस वही उस पॉन्ड में रहते हैं, ठीक है। तो यही इस स्टॉकिंग पॉन्ड्स का मकसद है, ठीक। बाकी तो इसमें थ्योरी है, आप लोग देख लेना, PDF मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मकसद मैंने बता दिया कि इसका क्या मकसद होता है, ठीक। अब एक टर्म आता है फिकेंडिटी। फिकेंडिटी जैसे कभी कभी पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ फिकेंडिटी, ठीक है, किससे रिलेटेड है। तो फिकेंडिटी जैसे कि नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाई ए फीमेल पर स्पॉनिंग सीजन, उसको हम लोग फिकेंडिटी बोलते हैं, ठीक, फिशिंग में, ठीक है। और अलग अलग जो है फिश का अलग अलग होता है, जैसे कि अटलांटिक कॉड है वो 2 लाख से 12 लाख जो है वो इतने एक्स दे देती है, ठीक है। और स्मॉल माउथ बॉस है वो 2000 एक्स से लेकर 20000 एक्स तक देती है। ओशियन सनफिश है वो 300 मिलियन एक्स हर साल दे देती है, ठीक। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि फिकेंडिटी है क्या, और हर क्या हर फिश की फिकेंडिटी अलग अलग होती है, तो यस अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फिशिंग मेथड्स क्या, कि कौन कौन से फिशिंग मेथड होते हैं, और सरकार ने कौन से जो फिशिंग मेथड को बैन कर रखा है, और इनमें कभी कभी जो है कछुए भी जो फंस जाते हैं तो उनको इससे काफ़ी हार्म होता है, ठीक। तो और इसके बाद जानेंगे हम लोग फिशिंग मेथड कौन सा बढ़िया होता है, ठीक, कि जो लोग समुद्र में जाते हैं जैसे कि बोट लेके जाते हैं, आजकल तो वो मोटर बोट यूज़ करते हैं, पहले वो जो हाथ से नाव चलती है ना उसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसका भी इम्पोर्टेंस हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही है, और आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटा दो, तो यार देखो होता क्या है कि मुझको भी रिसर्च करनी पड़ती है पूरा ये जो वीडियोस बनाने में, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स इधर उधर से लाना पड़ता है डेटा, और उसको कलेक्ट करना पड़ता है ताकि एक जो है प्रॉपर मटेरियल बन सके, ठीक है। तो इसलिए टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लग रहा है, तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं करता जाऊँ, क्योंकि फ़िशिंग जो है उसमें कहीं मटेरियल मुझे मिल नहीं रहा है, तो बहुत जो है क्रूशियल डेटा गूगल से काफ़ी यूज़ करके गूगल का उससे मैं निकाल लूँ। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट्री है, इसका डेटा जो है काफ़ी अच्छी तरह मिल जाएगा, ठीक है। एक्लॉजी मिल जाएगी अच्छी तरीके से, बाकी सब आसानी से मिल जाएगा, बस फिशिंग में है थोड़ी दिक्कत, क्योंकि इसका जो है जो भी कंटेंट है वो मिल नहीं पा रहा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है।
जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश है कंप्लीट करने की फिशरीज़ को, एक दो लेक्चर और बचेंगे इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर्पस मेरा ये है कि कुछ छूटे नहीं, सब कुछ मैं कवर कर लूँ। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।